रेड कलर की स्किन है ये। हेलो गेमर्स, आ गया है PUBG मोबाइल का नया अपडेट 0.16.5। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर अपडेट के साथ PUBG मोबाइल में कोई ना कोई नया फीचर जरूर आता है, तो इस बार जो नया फीचर आने वाला है गाइस, वो है एक नया व्हीकल। यहाँ ट्रेनिंग मोड के इन्वेंटरी में जितने भी सारे व्हीकल्स खड़े हुए थे, इनमें से हमें एक नया व्हीकल खड़ा मिला गाइस, एक स्नो बाइक। तो रीसेंट अपडेट में जैसे कि विकेंडी में जीमा ऐड हो गई है एक नई गाड़ी, उसी तरह से विकेंडी मैप में ही एक नई स्नो बाइक भी ऐड हो रही है। अब विकेंडी मैप के सारे व्हीकल्स बदलते जा रहे हैं। अभी ये स्नो बाइक क्योंकि अब विकेंडी मैप में ऐड हो जाएगी, तो जो दूसरी वाली सिंपल बाइक्स है गाइस, वो हमें विकेंडी में अब देखने को नहीं मिलने वाली है इस नए अपडेट के साथ। नए अपडेट 0.16.5 के साथ हमें सिर्फ स्नो बाइक ही मिलेगी विकेंडी के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस स्नो बाइक के काफी फायदे भी हैं। आप इससे बड़ी आसानी से पहाड़ियों पर चढ़ सकते हो। यहाँ सबसे पास ही सीमेंट फैक्ट्री के बराबर में जो पहाड़ी है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की मैंने, तो यहाँ पर एक ग्लिच भी पता चल गया। ये ग्लिच भी कमाल है, आप यहाँ इस पहाड़ी के अंदर छुप सकते हो गाइस, और आपको कोई भी नहीं देख पाएगा यहाँ से। यहाँ से आराम से एनिमी को नॉक या फिनिश कर पाओगे अब आप। तो ये जो डिफॉल्ट स्किन मिली है हमें स्नो बाइक के साथ, ये भी बहुत ही धांसू है। रेड कलर की स्किन है ये। स्नो मोबाइल की जैसे ग्रीन स्किन हमें सीजन 10 रॉयल पास के साथ मिली थी, हो सकता है आने वाले अपडेट्स में इसके लिए भी नई रॉयल पास स्किन्स आ जाए। अब नए अपडेट में हमें स्नो बाइक तो मिली रही है, इसके साथ जो ड्रॉप्स का कलर है वो भी कुछ अजीब ही कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल ही विंटर मोड स्टाइल में आ गया है नया कलर। इससे रिलेटेड जो इवेंट्स आने वाले हैं गाइस, उनके बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आप देख रहे हो इंडियन नेचुरल YT। तो चलो मिलते हैं फिर।